एवरीवन, मैं पूजा चौधरी, खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आई हूँ, जिसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप अपने बालों के बारे में बताइए कि आपने अपने बालों में कौन सा कलर शेड डाला हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को अपने बालों के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज देने वाली हूँ, और इससे रिलेटेड मैं आपको और भी नॉलेज दूंगी कि हम लोग अगर कभी भी अपने बालों में हाइलाइटिंग या फिर ग्लोबल कलर, मतलब हाइलाइटिंग जैसा जो कलर होता है जो मैंने अपने बालों में डलवाया हुआ है, तो वो हमें किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो काम है वो है कलर शेड का, ठीक है। हमारे पास कलर शेड होना बहुत ज़रूरी है अगर हम पार्लर पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा पार्लर है तो हमारे पास कलर शेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कलर अपने बालों में डलवाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, देखिए कलर शेड से क्या होता है, ये स्टिक्स का कलर शेड है, शेड कार्ड है ये पूरा। और इससे क्या होता है, हम लोग, हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम लोग इससे पहले उसको कलर मैच कराते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो अगर बाय चांस उन्होंने कोई ये कलर भी अगर हमें दिया हुआ होता है तो इस पर नंबर लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं, देखिए इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। इस नंबर को देख के हम लोग कलर ट्यूब निकालते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से कलर ट्यूब आती हैं, ये भी स्टिक्स की हैं तो ये इस तरीके से कलर ट्यूब आती हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर की कलर ट्यूब हैं। तो हमें जो शेड कार्ड है उसके अंदर से जो कलर शेड का नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से मैच करके हमें कलर ट्यूब लेना है। और उसके बाद हमें, अगर हम ट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे बालों में हुआ हुआ है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैं इसमें से अपने कलर शेड की ट्यूब पसंद करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर 20 वॉल्यूम मिलवाऊंगी और अपने बालों में डायरेक्ट अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि 20 वॉल्यूम जो होता है वो हम रूट में टच कर सकते हैं, 40 वॉल्यूम जो होता है उसको रूट में टच नहीं कर सकते। तो जो 20 वॉल्यूम होता है ये डेवलपर होते हैं, ये भी स्टिक्स का है। तो इसके अंदर आप 20 वॉल्यूम मिलवाएंगे और उसके बाद आप अपने बालों में जैसे नॉर्मली हम लोग कलर करते हैं उस तरीके से हम अपने बालों में इसको लगवा लेंगे। तो जो मेरे बालों में इस टाइम हुई हुई है ना, ये इसको इसके साथ मैच करने के लिए, देखिए मेरे काफ़ी ब्लैक बाल आ गए हैं और मुझे गोल्डन के साथ इसको मैच करना है, तो मैं आपको करके भी दिखवाऊंगी अभी कि आप लोगों को ये किस तरीके से मैच करना है। वो वीडियो इसके बाद आएगी, मतलब ये बैक टू बैक आएंगी दोनों वीडियो, एक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं आप दे रही हूँ आपको, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पूरे बालों में मेरे कलर करते हुए आएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने कलर ट्यूब लिया और उसके साथ 20 वॉल्यूम मिलवाया, जो डेवलपर आता है 20 वॉल्यूम का वो मिलवाया, और उसके बाद मैंने अपने बालों में, और इसका रेशे मिलाना भी मैं उसी में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हमें मिलाना होता है। बराबर बराबर का रेशा होता है, वन वन का रेशा होता है, जितना हमें कलर ट्यूब लेंगे हम उतना ही हमें डेवलपर मिलाना है। तो ये आ गया इस तरीके से जो ट्यूब वाली हाईलाइटिंग करते हैं जो मेरे बालों में है, ठीक है। अब एक आ गया जो हम एक हाईलाइटिंग करते हैं पाउडर के साथ। तो देखिए ये स्टिक का है, ये स्टिक्स का है, और ये ब्लोंडर है, ब्लोंडर पाउडर आते हैं इस तरीके से, और ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ना ये पाउडर फॉर्म में आते हैं पॉलिथीन के अंदर, और ये इस स्टिक्स का भी आता है, वेला का भी आता है, वेला का भी ब्लोंडर जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो जो ब्लोंडर होते हैं इनके साथ में हमें 40 वॉल्यूम मिलाना होता है, इसके साथ में अगर हम 20 वॉल्यूम के साथ इसका काम करेंगे तो 20 वॉल्यूम से ये कलर आपको वो नहीं देगा जो आपको हाईलाइटिंग चाहिए जिस तरीके की, ये आपको वो नहीं देगा। तो इसके साथ में हमें 40 वॉल्यूम का काम करना पड़ता है, 40 वॉल्यूम को हम रूट में टच नहीं कर सकते, रूट से एक इंच छोड़ के हम लोगों को अपने बालों में काम करना होता है। तो इन चीज़ों का ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो आपको इन सब की मैं मिक्सिंग बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए जो वेला का होता है ना उसके अंदर भी पाउडर फॉर्म में ही निकलता है, ये भी इसके अंदर पाउडर होता है, देखिए इस तरीके से इसके अंदर ना ब्लू ब्लू कलर का पाउडर निकलता है, वो मैं आपको जो मिक्सिंग करके दिखाऊंगी तब उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन दूंगी उसका। तो इस तरीके से हम अपने बालों में अगर हम लोगों को हाइलाइटिंग करानी है तो, और अगर हमें ग्लोबल कलर कराना है तो, वो दोनों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और अभी जो मैंने आपको वीडियो ओनली फॉर इंट्रोडक्शन की दी थी कि 20 वॉल्यूम क्या होता है और 40 वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये 40 वॉल्यूम है और ये 20 वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग ये डेवलपर यूज़ करते हैं, इनका वॉल्यूम का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी हाईलाइटिंग या फिर ग्लोबल कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज आप लोगों को ट्यूब वाला और जो आते हैं ये जो ब्लोंडर आते हैं उनका दोनों का इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में आते हैं, लोरियल में भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बालों से रिलेटेड जितनी भी ब्रांड हैं उनमें सब चीज़ों में इसी तरीके से आपको मिलेंगे, डेवलपर मिलेगा, ब्लोंडर मिलेगा और ट्यूब मिलेंगे, ठीक है। तो उन सबका मिक्स एंड मैच आप लोगों को करना आना चाहिए, तो वो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए अब इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आने वाली हूँ आगे। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कहना चाहूँगी जो लोग मुझे आज मेरे चैनल पर पहली बार मिल रहे हैं
या देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का बहुत फ़ायदा है, आप लोगों को मेरी सारी वीडियो जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है और तब से लेके अब तक की सारी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाती हैं, ऑन स्क्रीन दिखाई देती हैं आप लोगों को, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा बार बार खुशी मेकओवर या पूजा चौधरी डाल डाल के, तब आपको कहीं मेरी वीडियो शो होनी स्टार्ट होंगी। तो सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे हैं, बाकी आपका मन है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।